बंद हूँ वीणा वादिनी, धरी गणपति को ध्यान। महाशक्ति राधा सहित कृष्ण करो कल्याण। सुमिरन करी सब देवगण, गुरु पितु बारंबार। बरनो श्री गिरिराज यश, निज मति के अनुसार। जय हो जय बंदित गिरिराजा, ब्रज मंडल के श्री महाराजा। विष्णु रूप तुम हो अवतारी, सुंदरता पे जग बलिहारी। स्वर्ण शिखर अति शोभा पावे, सुर मुनिगण दर्शन को आवे। शांत कंदरा स्वर्ग समाना, जहाँ तपस्वी धरते ध्याना। द्रोणगिरि के तुम युवराजा, भक्तन के साधो हो काजा। मुनि पुलक्ष्य जी के मन भाई, जोर विनय कर तुमको लाए। मुनिवर संग जब ब्रज में आए, लखी ब्रज भूमि यहाँ ठहराए। विष्णु धाम गौलोक सुहावन, यमुना गोवर्धन वृंदावन। देख देव मन में ललचाए, वास करन बहु रूप बनाए। को वानर को मृग के रूपा, को वृक्ष को लता स्वरूपा। आनंद ले गोलोक धाम के, परम उपासक रूप नाम के। द्वापर अंत भये अवतारी, कृष्ण चंद्र आनंद मुरारी। महिमा तुम्हारी कृष्ण बखानी, पूजा करी बेकी मन ठानी। ब्रजवासी सब लिए बुलाई, गोवर्धन पूजा करवाई। को व्यंजन बनवाए, ब्रजवासी घर घर ते लाए। ग्वाल बाल मिली पूजा कीनी, सहस भुजा तुमने कर लीनी। स्वयं प्रकट हो कृष्ण पूजा में, मांग मांग के भोजन पावे। लखी नर नारी मन हर्षावे, जय 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 गिरिवर गुण गावे। देवराज मन मेरी सियाए, नष्ट करन ब्रज मेघ बुलाए। छाया कर ब्रज लियों बचाई, एक बूंद न नीच
पहुँचे आई। सात दिवस भई बरसा भारी, थके मेघ भारी जलधारी। कृष्ण चंद्र ने नख पे धारे, नमो नमो ब्रज के रखवारे। करी अभिमान थके सुर साई, क्षमा मांग पुनिया स्तुति गाई। त्राही माम मैं शरण तिहारी, क्षमा करो प्रभु चूक हमारी। बार बार विनती अति कीनी, सात कोस परिकम्मा दीनी। संग सुर भी ऐरावत लाए, हाथ जोड़ कर भेंट गाए। अभय दान पाइंद्र सिहाए, करी प्रणाम निज लोक सिधाए। जो यह कथा सुने चित लावे, अंत समय सुरपति पद पावे। गोवर्धन है नाम तिहारो, करते भक्तन को निस्तारो। जो नर तुम्हारे दर्शन पावे, तिनके दुख सब दूर हो जावे। धन्य धन्य वह मानव जीवन, मानसी गंगा में जो नहावे, सीधे स्वर्ग लोक को जावे। दूध चढ़ा जो भोग लगावे, आधी व्याधि पास न आवे। जल फल तुलसी पात्र चढ़ावे, मन वांछित फल निश्चय पावे। जो जन देत दूध की धारा, भरो रहे ताको भंडारा। करे जागरण जो नर को, दुख दरिद्र भयता ही न होई। श्याम शिलामय निज जन त्राता, भक्ति मुक्ति सर्वस दाता। पुत्रहीन जो तुमको ध्यावे, ताकू पुत्र प्राप्ति हो जावे। दंडौती परिकम्मा करही, ते सहजही भवसागर तरही। कली में तुम सम देव न दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। सुर नर मुनि सब करते पूजा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन
गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तोपे पान चढ़े रे तोपे फूल चढ़े, तोपे पान चढ़े रे तोपे फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरो नाम पढ़ियो है गिरधारी, ओ तेरो नाम पढ़ियो है गिरधारी, लियो नख पे गिरवर धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, सब दैरे सब दैरे सब दैरे नर और नार, हाँ नार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, कंठी की अजब बहार, हाँ बहार तेरे माथे मुकुट विराज रहा। मुकुट बंसी जिसकी पहचान है, मोर मुकुट बंसी जिसकी पहचान है, उस मोहन पे मेरा दिल कुर्बान है। मुकुटवंशी जिसकी पहचान है, उस मोहन पे मेरा दिल कुर्बान है। मोर मुकुटवंशी जिसकी पहचान है, उस मोहन पे मेरा दिल कुर्बान है।
सावरे की शान निराली, आंखें सुंदर काली काली, सावली सूरत लटे घुंघराली है हो। मोहन सांवरे की शान निराली, आंखें सुंदर काली काली, सांवली सूरत लटे घुंघराली है हो। मोहन मधुर मनोहर मन भावन मुस्कान है, मधुर मनोहर मन भावन मुस्कान है, उस मोहन पे मेरा दिल कुर्बान है। मोहन चक्र सुदर्शन धारी, सुंदर छवि अति मनोहारी, जिन पे मोहित राधे रानी प्यारी है हो। राधे मोहन चक्र सुदर्शन धारी, सुंदर छवि अति मनोहारी, जिन पे मोहित राधे रानी प्यारी है हो। राधे जिसके चरणों में अमृत की खान है, जिसके चरणों में अमृत की खान है, उस मोहन पे मेरा दिल कुर्बान है। कृपा का सागर बरसाते, बिन दुखी को गले लगाते, शर्मा का ये हर एक कष्ट मिटाते हैं हो। मोहन कृपा का सागर बरसाते, बिन दुखी को गले लगाते, शर्मा का ये हर एक कष्ट मिटाते हैं हो। मोहन जिनका दीवाना दीवाना, जिनका दीवाना, जिनका दीवाना सारा हिंदुस्तान है, उस मोहन पे मेरा दिल कुर्बान है। घर जाने को दिल नहीं करता, दिल तो हमारा तुम्हीं पे मरता। घर जाने को दिल नहीं करता, दिल तो
तो हमारा तुम्ही पे मरता। तुम पर हमारा मोहन हक हो गया, तुम पर हमारा मोहन हक हो गया। बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया, जैसी हंसी तुम्हारी मोहन देखी कहीं मुस्कान नहीं। जैसी हंसी तुम्हारी मोहन देखी कहीं मुस्कान नहीं। तुम्हें सामने रहे देखते और कोई अरमान नहीं। तुम्हें सामने रहे देखते और कोई अरमान नहीं। अब ये मामला यहाँ तक हो गया, अब ये मामला यहाँ तक हो गया। बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया, बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया। आंखें मलते उठे सवेरे राधा कोई पुकारे है। दौड़ी दौड़ी मिलने आई मोहन नदी किनारे है। दौड़ी दौड़ी मिलने आई मोहन नदी किनारे है। माटी सा ये जीवन यूं कनक हो गया, माटी सा ये जीवन यूं कनक हो गया। बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया, मन की कलियां कमल फूल सी तुमने ही महकाई है। मन की कलियां कमल फूल सी तुमने ही महकाई है। इश्क के अंगना में ओ मोहन प्रेम की बदरी छाई है। इश्क के अंगना में ओ मोहन प्रेम की बदरी छाई है। प्रेम व इश्क में रश्क हो गया, रश्क हो गया। बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया, बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया। घर जाने को दिल नहीं करता, दिल तो हमारा तुम्ही पे मरता। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, बस
बांसुरी वाले श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, बांसुरी वाले श्याम। अपने भक्तों की बिगड़ी बनाते, बड़ा पावन बड़ा पावन प्रभु तेरा नाम, बांसुरी वाले श्याम। कठिन घड़ी में जब भक्त पुकारे, दौड़े चले आते मेरे श्याम प्यारे, रात दिन हो रात दिन हो, सुबह हो या शाम, बांसुरी वाले श्याम। तेरी महिमा बखाने, पर तेरी माया प्रभु तू ही जाने, रवि करता रवि करता तेरा गुणगान, बांसुरी वाले श्याम। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया, छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। ब्रिज धाम का वो धेनु चरैया, वो तो फन फन नाग नथैया, छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया, छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। माखन चोरी करे जोरा जोरी करे, गोपियन की मटकी फुड़ैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया, गोपियन की मटकी फुड़ैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया,
प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छाई ब्रिज में उमंग खेल ग्वालों के संग, राधा रानी संग रास रचैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। माथे मुकुट साजे पग पैजन बाजे, मैया यशोदा जी लेवे बलैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। कृष्ण की बंसी बाजे राधा गोरी नाचे है, वो तो मुरली पे मोहित करैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। इंद्र वर्षा करे कृष्ण रक्षा करे, वो तो खुद ही लीला रचैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। ब्रिज धाम का धेनु चरैया, वो तो फन फन नाग नथैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे हमारे लिए क्यों देर किए हो, घड़ी का जामिल को पल में उबारे। हमारे लिए क्यों देर किए हो, गणी का जामिल को पल में उबारे। पतितों को पावन है
करते कृपा निधि कि ये पाप है इस सुयश के सहारे। अगर नाथ देखोगे ये माना धम है अपावन कुटिल है सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। ये माना धम है अपावन कुटिल है सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। मन हो निर्मल मन हो निर्मल मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से इसे शुद्ध करने में हम भक्त हारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे ये कलयुग है घना भारी हे मोहन नाप आ जाओ। ये कलयुग है घना भारी हे मोहन नाप आ जाओ। है भव सागर बड़ा गहरा ओ कान्हा पार लगवा। जाओ
ठिकाना जो मेवे तुमने ठुकराए। जो रूखा सूखा है मोहन मेरा भी भोग खा जाओ। पद की थी कुब जा आपने तारी लाज द्रौपद की थी कुब जा आपने तारी। खड़ा हूँ मैं भी बनवारी कब आएगी मेरी बारी है चंदन की अरज काना दरस मुझको दिखा जाओ। है भव सागर बड़ा गहरा प्रभु जी पार लगवाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए गोवर्धन गिरिराज महाराज की। भक्तजनों, गिरिराज जी महाराज भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा जिले में स्थित हैं। यहाँ भक्तजन आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्यारे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाकर उनकी और गोविंद हरि की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो गोवर्धन गिरिराज जी इतने महान कैसे बने, कैसे कृष्ण कन्हैया लाल जी के राज दुलारे बने और कैसे इनका संबंध देवराज इंद्र के मान घटाने से है, आइए वेद पुराणों में वर्णित ये पावन गाथा आज मैं आपको संगीतमय रूप में सुनाता हूँ। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की। गोवर्धन गिरिराज की। आओ सुनाऊं भक्तों गिरिराज की कहानी। कृष्ण की ये लीला वेदों ने है बतानी। कृष्ण की ये लीला वेदों ने है बतानी। आओ सुनाओ भक्तों गिरिराज की कहानी। कथा इस प्रकार से है भक्तों, आषाढ़ का महीना था, भगवान श्री कृष्ण अन्य गोप ग्वालों के साथ वन में गैया चरा रहे थे कि तभी कुछ गैया गोवर्धन पर्वत की तलहटी की ओर चली गई। भगवान कृष्ण और ग्वाले जब गैया माता को लेने वहां गए तो क्या देखते हैं कि कुछ गोपिकाएं
तरह तरह के पकवान बनाकर रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर देवराज इंद्र की स्तुति गा रही हैं, नाच रही हैं। भगवान कृष्ण के पूछने पर वो उन्हें बताती हैं कि यदि इंद्र देवता प्रसन्न होंगे तभी तो इस माह में अच्छी वर्षा होगी और तभी धन धान उगेगा और हरियाली छाएगी जिससे हमारी गौ माता चारा प्राप्त करेगी। कान्हा अचंभे में घर की ओर आते हैं और घर आकर माँ यशोदा को देखते हैं तो क्या पाते हैं, आइए सुनते हैं। माता भी इंद्र पूजे पकवान थी बनाती, महान इंद्र देवा कान्हा को थी बताती, महान इंद्र देवा कान्हा को थी बताती। माता के सुन के वाणी हुई कृष्ण को हैरानी, मैया के समझाने पर कृष्ण कन्हैया माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ सारी सृष्टि में वर्षा करवाना तो इंद्र देवता का कार्य ही है, फिर भला इनकी पूजन अर्चन क्यों करनी पड़ती है। मैया ने बात सुनी अनसुनी कर दी, तब कान्हा ने यही बात गोप गोपिकाओं को जाकर बताई और समझाया कि यदि पूजन करना है तो गोवर्धन पर्वत का पूजन करना चाहिए, यही पर्वत तो मेघों को हमारे गोकुल के ऊपर रोकता है ताकि वर्षा होती है, इसी से हमारे गोवर्धन पर्वत पर हरियाली छाती है जिसे गैया माता चारा समझकर खाती और ढेर सारा दुग्ध देती है। इसलिए मेरी बात मानो और इंद्र का पूजन अर्चन बंद कर गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना आरंभ करो। भगवान कृष्ण की बात गोप गोपिकाओं की समझ में आ गई, उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ कर दी। इधर हर आषाढ़ के महीने देवर्षि नारद इंद्र की पूजा देखने गोकुल में आते थे, इस वर्ष भी जब वो गोकुल में आए तो क्या देखते हैं, आइए सुनते हैं। गोपियों ग्वाल मिलके गिरिराज को है पूजे, गोपियों ग्वाल मिलके गिरिराज को है पूजे, और इंद्र को जरा भी कोई ग्वाल भी न पूजे, इंद्र को मैं जाके सारी कहूँ कहानी, आओ सुनाऊं भक्तों गिरिराज की कहानी। देवर्षि नारद यह सब देखकर इंद्र के दरबार में आए और सारी बात इंद्र को सुनाई। इंद्र ने जब ये सुना कि समस्त गोकुल वासियों ने उसका पूजन अर्चन बंद कर दिया है, बहुत क्रोधित हो गया और मेघों को आदेश दिया कि जाओ और गोकुल के ऊपर इतनी वर्षा करो कि सारा गोकुल डूब जाए, ध्यान रखना कोई बचने ना पाए। मेघ बेचारे सत्य जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात श्री हरि का अवतार है, पर क्या करते, अपने देवराज इंद्र की आज्ञा कैसे ना मानते। सो गोकुल के ऊपर गए और बारिश बरसाने लगी। पहले तो सबने सोचा आषाढ़ का महीना है, रिमझिम बारिश हो रही है, परंतु जब तीन दिन तक लगातार बारिश हो गई, सारा गांव डूबने लगा, तब सारे गोप गोपिकाएं श्री कृष्ण के पास में आए और शिकायत के स्वर में उनसे ये कहने लगे,
तुम्हारी सुन के नहीं इंद्र को था पूजा। अब क्रोध हम सभी को गोपाल सहना होगा। अब क्रोध हम सभी को गोपाल सहना होगा। गलती हुई है हमसे बातें तुम्हारी मानी। सात दिनों तक लगातार वर्षा होती रही भक्तों, सारा गोकुल लगभग लगभग डूबने लगा था। गोधन अन्न धन की बर्बादी हो रही थी। सभी लोग कन्हैया के पास जाकर हाहाकार कर रहे थे। तब कन्हैया ने सभी को अपना गोधन लेकर गोवर्धन पर्वत की तलहटी में आने को कहा। जब सारा गोकुल अन्न धन लेकर गोधन लेकर गोवर्धन पर्वत की तलहटी में आया, तब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला दिखानी प्रारंभ की। एक हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं, सब हैरान हैं कि कन्हैया ये क्या कर रहे हैं, कि तभी दूजा हाथ पर्वत के आधार के नीचे घुसाया और हाथ की छोटी उंगली पर गिरिराज महाराज को उठा लिया। सब भगवान कृष्ण की लीला देखकर हैरान हैं। सभी को भगवान ने आदेश दिया कि सब पर्वत के नीचे आ जाएं और बारिश से अपना बचाव करें। सारा गोकुल अन्न धन गोधन लेकर पर्वत के नीचे आ गया और बारिश से बच गया। इंद्र को जब ये ज्ञात हुआ तो देवर्षि नारद के सहित वहां पर साक्षात आ गया। तब क्या देखता है कि एक हाथ से तो कान्हा बांसुरी बजा रहे हैं और दूजे हाथ में इतना विशाल गोवर्धन गिरी मात्र एक नाखून की नोक पर उठा रखा है। इंद्रराज कुछ समझ पाता कि तभी श्री हरि ने उसे अपना विराट रूप दिखा दिया। विराट रूप देखकर इंद्र थर थर कांपने लगा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गया। एक हाथ मुरली साजे दूजे गिरी उठाए। एक हाथ मुरली साजे दूजे गिरी उठाए। और रूप अपना विष्णु दिए इंद्र को दिखाए। चरणों में आके उसने गलती की माफी मांगी। आओ सुनाओ भक्तों गिरिराज की कहानी। इंद्र ने मेघों को तत्काल आदेश दिया कि बारिश बंद कर दे और कान्हा की शरण में आकर हाहाकार करने लगा। कृष्ण कन्हैया ने उसे समझाया कि हे इंद्र, पूरी सृष्टि में बारिश करवाना यह तेरा कार्य है, फिर तू अपनी पूजा क्यों करवाता है। इस पर इंद्र ने कहा, भगवन आज के बाद मैं पूरी सृष्टि में आवश्यकता अनुसार बारिश करवाऊंगा, परंतु कृपा कर मुझ पर क्रोध न करें। भगवान कृष्ण ने कहा, हे इंद्र, मैं तुम पर क्रोधित नहीं हूं, परंतु तुम्हारे नेत्र खोलना भी आवश्यकता। इंद्र क्षमा मांगकर देवर्षि नारद के साथ स्वर्गलोक लौट गया और इधर सभी गोप ग्वाले कान्हा और गिरिराज जी महाराज की जय जयकार करने लगे। तभी से भक्तों, गिरिराज जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के लाडले माने जाते हैं, बड़भागी माने जाते हैं, जिन्हें भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। तो ऐसे गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाकर उनका और श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
बोलिए गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की। बड़ भाग्य गिरी राजा श्री कृष्ण ने उठाया, बड़ भाग्य गिरी राजा श्री कृष्ण ने उठाया। माटी से सबने भक्तों चंदन तिलक लगाया, गिरिराज जी की महिमा सबने है भक्त मानी, गिरिराज जी की महिमा सबने है भक्त मानी, गिरिराज जी की महिमा सबने है भक्त मानी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन में कहीं पले मुरारी, किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी, मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे, हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे, वहीं गए जहां गए पुकारे, नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा।